मुसलमानों का मोहल्ला। मेरा एक दोस्त अक्सर कहता था कि ये कौमी एकता की बातें बस कहने में अच्छी लगती हैं। कहता था कि तुम कभी मुसलमानों के मोहल्ले में अकेले गए हो, कभी जाकर देखो, डर लगता है। वो मुसलमानों से बहुत डरता था, हालांकि उसे शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान बहुत पसंद है। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो मेरे साथ इंजीनियर बना। विज्ञान में उसकी दिलचस्पी इतनी कि कहता था कि अब्दुल कलाम की तरह मैं एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूं और देश का मान बढ़ाना चाहता हूं। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो क्रिकेट का बड़ा शौकीन था, खासकर अजहरुद्दीन की बैटिंग का, जहीर खान और इरफान खान के लहराते हुई गेंदों का। कहता था कि ये तीनों जादूगर हैं, ये खेल जाए ना तो हम कभी हार नहीं सकते। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो नरगिस मधुबाला के हुस्न का मुरीद था। वो उन्हें ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहता था। वो मुरीद था वहीदा रहमान की मुस्कान का, मुरीद था। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो जब भी दुखी होता था तो मोहम्मद रफी के गाने सुनता था। कहता था कि खुदा बसता है रफी साहब के गले में, मोहम्मद रफी का नाम कान पर हाथ लगाकर ही लेता था और नाम के आगे हमेशा लगाता था साहब। अगर वो साहिर के लिखे गाने गा दें तो खुशी से रो लेने का मन करता था उसका। वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। वो हर 26 जनवरी को अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा गाता था। कहता था कि अगर गीत पर बिस्मिल्लाह खान की शहनाई हो और जाकिर हुसैन का तबला तो क्या ही कहने। पर वो उनसे नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। उसे जब इश्क हुआ लड़की से तो गालिब की गजल कहता, फैज के चंद अशार भेजता, इन्हीं उधार के उर्दू शेरों पर मिटी उसकी महबूबा। वो आज उसकी पत्नी। वो इन सब शायरों से नहीं डरता था, बस मुसलमानों से डरता था। बड़ा झूठा था मेरा दोस्त, बड़ा भोला भी। वो अनजाने ही हर मुसलमान से करता था इतना प्यार, फिर भी न जाने क्यों कहता था खुशी खुशी मोहब्बत से, और मुसलमानों के न जाने कौन से मोहल्ले में जाने से, अकेले जाने से डरता था। दरअसल वो भगवान के बनाए मुसलमानों से नहीं डरता था, शायद वो डरता था सियासत, अखबार और चुनाव के बनाए उन काल्पनिक मुसलमानों से, जो कल्पना में तो बड़े डरावने थे लेकिन असलियत में ईद की सेवइयों से ज्यादा मीठे थे।